है माँ छिलका, तो इसको हम अभी भिगो लेंगे। और कल हमारे माता जी का, मेरी नानी यार बोल रहा, हाँ मेरी नानी जी का क्या है, श्राद्ध है, तो उसके लिए हम जो है वो ये भल्ले बनाने के लिए जो है ये हमने दाल माँ छिलका जो है वो भिगोना है और भिगो के रख देना है। तो ये देखिए इसमें हम पानी डाल लेते हैं और इसे भिगोने छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो है वो रजाइयाँ निकाल ली है क्योंकि बहुत ठंड हो गई है। ये जो ये बारिश हुई ना आज, इसकी वजह से काफ़ी ठंड हो चुकी है और हमने रजाइयाँ निकाल ली है। ये देखिए दीक्षित ने रजाइयाँ निकाल ली सारी भाई। तो यहाँ पे सच में ठंड से जो है वो ऐसी ठंड हो गई है जैसे सर्दियों में नहीं होती, वैसी ठंड होना शुरू हो चुकी है। और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ भी ठंड हुई है कि नहीं। तो चलते हैं फिर सोने की तरफ। ये दीक्षित खीर जाए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं खीर, देखिए और क्या क्या बनाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अभी। और यहाँ पे हमने आलू बना लिए हैं उबाल के जो है, इनको तड़का लगा के हमने इसको पका लिया है आलूओं को। और आलू भी जो है मतलब न्यूज़ होते हैं ना, उनके ऊपर रखने के लिए होते हैं और कुछ खाने के लिए हो जाएंगे थोड़े से, जो आएंगे मेहमान उनके लिए हमने पुरोहित जो बुलाए हैं। और ये बन गए हमारे आलू दोस्तों, जैसे तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो हमारे यहाँ जो है वो श्राद्ध नानी जी का, और यहाँ पे हमने दाल उबाल ली है और यहाँ पे हम जो है वो तड़का लगे हैं करने। और यहाँ पे हमने आलू उबाल के जो है वो बना भी लिए हैं। ये देखिए आलू हमने उबाल के बना लिए और यहाँ पे हमने खीर बना ली है। तो तकरीबन हमारे जो है वो हो ही गया है, ये जितना भी हमने खाना बनाना था। थोड़ी दो तीन आइटम्स रह गई है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे अभी। हमने तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। और ये डाल दिया जी धनिया, और ये डाल दी हमने मेथी। तो यहाँ तड़का हो रहा है और यहाँ पे साथ में ही, तो ये देखिए तड़का हमारा हो चुका है। तो लहसुन प्याज जो है वो वर्जित होता है, तो हम लहसुन प्याज जो है इसमें नहीं डालते हैं। जो ये श्राद्ध वाले दिन जो है लहसुन प्याज वर्जित होता है। और ये देखिए अब हमने दाल जो है अब इसमें थोड़ा सा उबाल देना है, हमने थोड़ा सा इसे और पका लेना है। तो नमक वगैरह जो है हमने पहले ही इसमें डाल लिया था और अब हम इसे पका लेते हैं। और साथ में ही माता जी देखिए ये धो रहे हैं, जो दाल हमने रात को भिगोई थी उसे साफ़ कर रहे हैं। तो इसका हमने छिलका, पूरा छिलका जो है वो उतार लेना है। देखिए ऐसे धोते हैं हमारे शादियों की। और देखिए हमने जो इसका पानी है वो हमने निकाल लेना है, और इसी पानी से हमने जो है वो बार बार जो है यही पानी हमने यूज़ करना है, क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, हमारा पानी का बचाव भी हो जाएगा और दाल भी हमारी धुल जाएगी। फिर लास्ट में हमने जो है वो साफ पानी से, दो तीन पानी से जो है वो धोनी है। और अभी हमने जो इसका पानी है उसी से हमने धो लेना है। ये देखिए छिलका जो है हमने उतार के ऐसे साइड में कर लिया है और यहाँ पे हमने जो हमने ये ऐसे ही इसको धो लेना है। देखिए यहाँ पे आटा जो है वो हम आटा गूंद रहे हैं और यहाँ पे मैंने ये मतलब कद्दूकस करनी है, ये और खीरा है, ये इसका रायता बनेगा। और यहाँ पे अभी माता जी धो ही रहे हैं ये दाल जो है, क्योंकि माता बहुत सुस्त है, इनको टाइम लगेगा अभी काफ़ी भाई, है ना माता? ये यहाँ पे हमने राई जो है वो रात को ही हमने लस्सी में मिला ली थी। ये देखिए ये है राई, और
ये अभी हमने जो है वो राई बनानी है। तो ये देखिए, ये हमने राई डाल दी इसमें और बहुत लगी है। यार बहुत लगी है। तो ये देखिए, ये हमने राई डाल दी है। अब हम इसमें खीरा मिला लेते हैं और खीरा जो है वो राई वाला बनाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा एंड तक। ये माँ छिलका है, ये अब हमने इसका छिलका जो है निकाल लिया है और फिर अब हम इसे जो है वो ग्राइंड कर लेंगे इसमें, और फिर आगे क्या करना है हमने वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में और अब हमने इसके बनाने हैं देखिए भल्ले। तो ये हम इसमें हमने ये पीस लिए है, ये जो दाल थी वो हमने पीस ली है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी और थोड़े से मसाले, और ये देखिए थोड़े से गर्म मसाले हैं तो वो डाले जा रहे हैं, और ये स्वाद अनुसार अब इसमें हम नमक डाल लेते हैं। ये डाल दिया जी हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और ये डाल रहे हैं हरी मिर्च इसमें बिल्कुल बारीक करके। ये देखिए अब इसको हम मतलब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट। ये देखिए ये बन गया जी हमारे भल्ले, और ये पहला पड़ाव जो है वो भल्लों का डालना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ये, और तवा से डालने पड़ेंगे क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है काफ़ी। और तो ये देखिए हम ऐसे ही भल्ले बना लेते हैं, और अब इसको पलट भी लेंगे। और ये देखिए अब हमने जो है इसे ये निकाल लेना है। ये देखिए ये निकाल लिए हमने सारे भल्ले। तो ऐसे ही हम सारे भल्लों को तल लेते हैं और बना लेते हैं इन्हें। देखिए चपातियाँ बनाई जा रही है, और यहाँ पे हमारे चावल बन गए हैं, और ये बन गई हमारी खीर, और ये बन गई हमारी दाल, और ये बन गए हमारे भल्ले, और ये बन गए हमारे आलू, और ये हमारा। आप लोगों को कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तो है मक्की, मक्की हमने तोड़ ली है खाने के लिए, और ये देखिए ये है उड़द की बेल, मतलब माँ की बेल है ये, ऐसी बेल होती है। और जब ये पक जाती है फलियाँ तो ये इस कलर की हो जाती है, और ये हरी जो फलियाँ हैं ये हरी फलियाँ हैं और ये पकी हुई फलियाँ हैं। तो ये देखिए ऐसे इसके पत्ते होते हैं और ऐसी बेल होती है इसकी, और ये पहाड़ी माँ है, तो मतलब ये घर के माँ हैं। और इसके ना दो तीन प्रकार के बीज होते हैं, एक सतरंगे माँ होते हैं और एक काले वाले माँ होते हैं। जो सतरंगे होते हैं वो बहुत सारे रंग वाले होते हैं, और जो सिंपल काले होते हैं वो आपको भी पता ही है कि उर्द जो है काली होती है। तो ये जो सतरंगे माँ होते हैं ना ये बहुत टेस्टी होती है, जो माँ है उससे भी कहीं ज़्यादा स्वाद होते हैं ये सतरंगे माँ। तो ये सतरंगे माँ की बेल थी, उर्द ही बोलते हैं इसको भी, तो ये हमारी पहाड़ी उर्द की बेल थी। तो ये हमारे गांव में जो है सोलर लाइट लग रही है, और ये देखिए ये हमारे प्रधान जी हैं, तो ये मिस्टर देशराज जी फ्रॉम पोहनी, और ये यहाँ पे सोलर लाइट लगवा रहे हैं, और वार्ड मेंबर भी है यहाँ पे हमारे सुभाष जी, तो
लाइट लगवाने आए हैं, और ये भी ब्राह्मण वार्ड से हैं दूसरे, ये मेंबर साहब हस्बैंड, ये हस्बैंड सारे काम जो है वो करवाते हैं पंचायत में। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग गांव गांव जाके काम करवाते हैं और गांव का विकास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीमेंट पाई लेना भाई, इं क्या रेता हूं और देखिए यहाँ पे जो है हमने जो है वो सोलर लाइट लगवा दी, हमने भी हेल्प की, और ये वार्ड मेंबर वगैरह और प्रधान जो है वो आके जो है हमारे गांव में लाइट लगवा रहे हैं, या कुछ भी विकास के कार्य हैं वो कर रहे हैं खुद आके, तो हमें भी